मुमरा कौसा में स्थित किस्मत कॉलोनी साबिरा महल में झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह मोबाइल बताई जा रही है। यहाँ एक नशेड़ी गुगी नामक युवक ने दानिश नाम युवक को अमीनाबाद से साबिरा महल हथियार के बल पर लाया गया। अमीनाबाद से आने के दौरान युवक से उसका गुगी नामक युवक ने मोबाइल छीन लिया। यही बात दानिश के रिश्तेदारों और परिचित को जब पता चली, उन्होंने आकर गुगी को समझाने की कोशिश की, जिसमें तूतू मैं हो गई और झगड़ा बढ़ गया। गुगी और उसके साथियों ने दानिश के पक्ष में बोलने वालों पर हमला कर दिया। हमले में हारून शेख पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हारून शेख फिलहाल कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पूरे मामले में दानिश और पीड़ित हारून शेख ने क्या कहा, सुनिए। भाई मेरा नाम शेख मोहम्मद दानिश है। दानिश भाई, अभी आप बता रहे कि आपको किसी ने फोन वोन छीना है, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ था। जी भाई, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि कैसा ना, मैं शाम में 6 बजे समथिंग मेरी बहन को छोड़ने उतरा था, तो मुझे मेरे ना 3-4 दोस्तों मेरे को 3-4 दिन से बहुत याद कर रहे थे, मिलने के लिए बुला रहे थे, बट मैं गया जा रहा नहीं था लोग मिलने। तो कल शाम में मेरे को अचानक से मैसेज आया, बोले भाई किधर है? तो मैं बोला ठीक है, मैं ऐसी सी बात है, मैं आता हूँ मिलने। तो ये नौगी वगैरह लोग से तो मेरी मुलाकात हुई थी, नौगी का दोस्त है अफजल, उन लोग ने मेरे को बुलाया, तो मैं वहाँ बैठा था। तो उससे मैं अचानक से नौगी आया मेरे साथ, कि वो मतलब मैं ऐसे उतरा था बिना कुछ, मतलब मोबाइल था सिर्फ मेरे पास, मेरे कैश पड़े थे 10-20 रुपये समथिंग, और कुछ भी नहीं था। मैं नीचे उतर के खड़ा था, वहाँ पे सिगरेट पीते हुए, तो उस लोग ने कहाँ पे अपना साबी अपना अमीनाबाद के पास, अमीनाबाद तो आपको पता होगा, यहाँ पे मस्जिद मदीना मस्जिद है, वहीं पे हम लोग खड़े थे। वो मस्जिद के पास से समझ गया क्या कैसा हो गया, फिर हम लोग मतलब वो आया नौगी मेरे को, उससे हम सामान निकाल के डायरेक्ट मेरे गर्दन पे रख दिया, बोले चल साथ में, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, हम नौगी ने क्यों रखा सामान, क्या हुआ था, क्या मालूम भाई उसको क्या हुआ, ऐसा अचानक से वो आया मेरे को, तो मेरे को लोग याद ही कर रहे थे 3-4 दिन से, क्या मतलब मेरा फ़ोन जो है मेरे को बेचने के लिए बोल रहे थे, बिल बॉक्स वगैरह लेके मैं नहीं आया था। जब मैं वापस घर पे गया, मेरे नौगी से मिलने से पहले, नौगी के मिलने के पहले जब मैं घर पे गया, तो मेरे घर से जब मैं वापस आने के टाइम पे मैंने बिल बॉक्स लेके आया, तो उसको मैंने वापस साबिरा मंजिल पे लाके दे दिया। अब वो साबिरा मंजिल पे उसने मेरा बिल बॉक्स वगैरह लेके सब फाड़ के फेंक दिया, और मेरे को भी सामान दिखा के मारने लगा। जैसे ही मेरे को मारने लगा, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे उसको फोन वोन वगैरह दे दिया, मैं बोला मैं आता हूँ। कौन सा फोन था? मेरा मोटोरोला G52। कितने का होगा तकरीबन? कुछ अभी तो समथिंग कुछ 14,000-15,000 का रहेगा। अच्छा, तो वो फोन लेके मैंने मतलब उसको दे दिया। मैं हारून भाई के पास आया, हारून भाई को बोला, हारून भाई देखो ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसा हो गया मेरे साथ, मतलब मैंने मतलब फोन उसको खुद से दे दिया, तो अब वो कैसा हुआ और मेरे को चार्ज कर रहा है, मतलब फोन पे मेरे को गाली गलौज कर रहा है, मेरे उसको फोन कर रहा हूँ कि मेरे को फोन लाके दे दे, तो लाके भी नहीं दे रहा उसको। मैंने 10 बजे तक का पूछा, मैं बोला भाई फोन लाके देंगे क्या, नहीं बोल रहा, नहीं बोला। तो उसके 10 बजे के बाद मैं हारून भाई को फोन किया, मैं बोला हारून भाई ऐसी बात हुई है, तो हारून भाई मेरे साथ चले, हारून भाई को मतलब हारून भाई उसको पूछे भी प्यार से कि क्या हुआ है, देखो जिससे मोबाइल के लिए ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसको देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसने उसको 2-3 बार पूछे कि देन उसने क्या किया, अचानक से हारून भाई को धक्कम धुक्की हो गई। तो वो हारून भाई को कौन थे वहाँ पे मारने वाले आप लोगों? वहाँ पे मतलब 3-4 लोग थे भाई उनके एरिया के, क्योंकि कैसा मैं अपने एरिया, नाम क्या था उन लोगों? एक नौगी था और फरजान था और 2-4 लोग थे जैसे कि नौगी के बड़े भाई लोग। इन लोग सबको मतलब मैं ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ इतने एरिया में रहता नहीं हूँ ना, तो कैसा उन लोग कितनी बात। अच्छा, आपके बीच में हाथापाई हो गई? हाँ, मैं नहीं था उस वक्त, हारून भाई लोग बात करें तो हारून भाई उस लोग में बीच में हाथापाई हो गई, मेरी हाथापाई नहीं हुई, तो उन लोग की हाथापाई होने लगी ना, तो मैं पीछे हट गया। तो उतने में वो कैसा अनोखी उनको चैलेंज कर रहा है, क्या बोले भाई तुम अकेले आओ ना, कुछ लोग को क्या। तो जब वो अकेले, जब वो ऐसा चैलेंज किया तो तब सब जाके उसको समझ लेगा, उसके दोस्त लोग भी मारना चालू कर दिए इधर से हारून भाई लोग के भी, तो बात इतनी बढ़ गई कि उसने सामान निकाल के हारून भाई के पीट पे मार दिया। अच्छा, हाँ, तो हारून भाई को पीट पे लग गई, तो वो जैसे हारून मतलब इतना बड़ा ये सब सीन क्रिएट हो गया भाई। तो आप पुलिस स्टेशन आए थे क्या उसके बाद? हाँ, मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन आया, पुलिस में रिपोर्ट भी किया, तो सर ने बोले क्या मतलब क्या दानिश रुक जाओ थोड़ा टाइम और मेडिकल करा के आ जाएंगे, तो CRO जो भी रहता है वो हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली FIR लॉन्च कर देंगे। अच्छा, हारून भाई की जो मेडिकल कराना है? हारून भाई की जो मेडिकल। तो आपकी जो मोबाइल छीना उसकी FIR नहीं लिए? नहीं, FIR क्योंकि मेरे पास कैसा ना सर, मैंने जो फोन लिया था ना मेरे बाहर से गोवा से लेके आया था, अब उसका यहाँ पे आने के बाद जब मेरा बिल बॉक्स था तो लोग ने तो फाड़ के फेंक दिए। अच्छा, तो इसलिए FIR नहीं लिया? FIR नहीं लिया, अभी नॉर्मली एक बिल था सर, ऐसा कोई बड़ा बिल नहीं था, मतलब एकदम नॉर्मली एक बिल आता ना, मतलब आपने फोन परचेस किया दुकान पे से, वो बिल था, बॉक्स वगैरह भी था, वो मैंने मतलब फ्रेंड से लिया था, वो भी फाड़ के फेंक दिए लोगों ने, कुछ भी मतलब मेरे पास आई नहीं, हम ना मेरे को अभी तक फोन। अच्छा, मतलब बहरहाल जो ये पूरा मामला हुआ है जी, विवाद हुआ है इसी एक फोन को लेकर ही हुआ था, ये एक फोन को लेकर विवाद हुआ, और ऊपर से वो कैसा नशे में भी बहुत था। अच्छा, कौन? नौगी जो है। हाँ, नौगी का नाम क्या है? नौगी का नाम मेरे को भी नहीं पता भाई। अच्छा, नौगी बोल। हाँ, नौगी उसका नाम, मतलब फेमस है, उसको हर कोई जानता ही है वहाँ पे इतने पट्टे में साबिरा मंदिर के पास। और मैं कैसा मतलब
मैं सोके उठने के बाद देखा तो उसके जितने भी साथ के लोग है ना वो सब खाली एकदम मतलब बटन वगैरह खा के खाली घूम रहे फिर ऐसा चाहता हूँ। अच्छा हाँ मतलब ज्यादातर सब बटन में। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया मुमरा पुलिस से आप भी आए? अभी सर मतलब पुलिस वाले यही बोल रहे मतलब पुलिस वाले हम लोग के सर है उनने यही बोले मतलब जो एफ आई आर वगैरह लॉन्च हो गई है बोले के घर पे भी गए थे कल मैं खुद उनके साथ में गया था उसको ढूंढने के लिए बट वो मिला ही नहीं वहाँ पे। तो लोग बोले क्या मतलब अब ये जो चीज़ है मतलब वो मिलेगा तो उसके बाद ही होगा उसके भाई और उसके साथ उसके उसके बड़े छोटे साथ वाले को जमा करके रखे हैं सर। कल हुआ है किस्मत कॉलोनी में साबरा महल बिल्डिंग है वहाँ पर हम लोग गए थे वो लड़के लोग ने बच्चे का मोबाइल ले लिया हम लोग गए उससे मोबाइल बोले भैया तो मोबाइल दे दो भाई उसका नाम है नोगी उसको बोले मोबाइल दे दे भाई मैंने छीन लिया मोबाइल तो मैं छीनता था मैं वापस देता भी नहीं। अच्छा ऐसा कौन बोल रहा था? नोगी। नोगी हाँ। अच्छा तो हमने कहाँ रहता है वो? वो रहता है साबरा महल के सामने उसके घर का नाम है एक महीने का घर है उसके घर का नाम क्या है? अच्छा किस्मत कॉलोनी में ही रहते हैं। हाँ किस्मत। फिर क्या हुआ था? साबरा महल वहाँ तो उसको बोले तो वो लड़ने झगड़ने लगा तो हम लोग भी धक्का मुक्की हुई इतने नोगी नोगी का भाई तनवीर उसका बाप अब्दुल अब्दुल और यासीन और वज्जल अच्छा लोग सब एक साथ आधा भाई करने लगे इतने में यासीन तनवीर ने और नोगी ने सामान निकाले और डायरेक्ट चलाना चाहिए। क्या था सामान? चौपर था भाई इतना बड़ा बड़ा चौपर था चौपर जो था इतना लंबा तलवार जो था। अच्छा इतना बड़ा सामान था। कब हुई है दुर्घटना? ये 11:16 रात में कल रात का। अच्छा तो आपको टाके आए हैं कहाँ का मार लगा आपको? मुझे ये यहाँ जो पीछे पीठ पर मार लगा वो थोड़ा लीवर के अंदर भी लग चुका है इसलिए मुझे एडमिट किया गया। अच्छा और कितने टाके आए आपको? अच्छा पुलिस स्टेशन गए थे फिर? हाँ पुलिस स्टेशन गया था मैं वहाँ से मुझे सीधा एमएलसी पेपर देकर यहाँ भेज दिए। हाँ तो अभी कोई स्टेटमेंट के लिए आए थे क्या यहाँ पर? पुलिस कोई स्टेटमेंट के लिए कोई नहीं अभी तो कोई नहीं आया मतलब एमएलसी लेके आए थे अब यहाँ पर एमएलसी लेके आए फिर मेरे को यहाँ पे रात में टाके वगैरह हमारे डॉक्टर साहब ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा मुझे एडमिट किया। अच्छा एडमिट किया तो कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अब यहाँ से जाने के बाद पुलिस स्टेशन जाओगे? यहाँ से जाने के बाद चौकी जाऊँगा। चौकी जाओ एफआईआर करने के लिए? हाँ एफआईआर करने मार